नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। चाखल के चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद रहा, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहे, अधिकारी पूरा मुस्तैद रहे। हमारे साथ अनिल जी हैं और हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने चुनाव के अंदर सर्टिफिकेट जारी किया। हम जानना चाहेंगे चुनाव कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया चुनाव रहा, पूरा सहयोग रहा सभी डिपार्टमेंट्स का, सभी ने मिलकर काम किया, टीम वर्क था और अंत में हम सक्सेस रहे। जी बिल्कुल सक्सेस रहे। चुनाव के अंदर जो उम्मीदवारों की उत्साह था वो कैसा था और कैसे चुनाव लड़ा गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत साफ सुथरे तरीके से चुनाव लड़ा गया, कहीं कोई शिकायत नहीं आई और सभी उम्मीदवारों ने पूरा कोऑपरेशन किया आखिर तक और कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी पालना की। कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा पालन किया गया, जैसा आमतौर पे देखने में आता है प्रत्याशी जो है चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करते, पर जैसा अधिकारी हमें बता रहे हैं इसका पालन हुआ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमसे जुड़े, शुक्रिया सर। A1 हरियाणा से मैं नवल सिंह आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ और जैसा मैं आपको बता दूं 13 का आंकड़ा, 13 के आंकड़े के बारे में जैसा अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि चंडीगढ़ में 13 का आंकड़ा नहीं है, उसको बड़ा अपशकुन माना जाता है, पर जैसा मैं बता दूं जाखल के लिए बड़ा ही शुभ रहा है क्योंकि जाखल के अंदर 13 नंबर वार्ड से ही जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुनी गई हैं। जी आप निर्विरोध चुने गए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, ये निर्विरोध चुने गए हैं और बिल्कुल निर्विरोध चुनने वाले को खुशी भी होनी चाहिए, इनको खुशी है। जाखल के किन मुद्दों को लेकर सीमा जी आप उतरे थे जिसके अंदर लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आप निर्विरोध चुने गए? जैसे जाखल में सफाई व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, उन मुद्दों को लेकर मैं जैसे इलेक्शन में उतरी थी तो मेरे वार्डवासियों का प्रेम था जो उन्होंने मुझे निर्विरोध चुना। जी बिल्कुल, वार्डवासियों का प्रेम था, निर्विरोध चुना, पर आपके कुछ मुद्दे रहे होंगे, कुछ प्राथमिकताएं रही होंगी, अब आप जीत चुके हैं, आ चुके हैं मैदान में, तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी जिनके ऊपर आप काम करेंगे? जैसे सफाई व्यवस्था, पानी की सप्लाई का अच्छा प्रबंध नहीं है, सीवरेज का प्रबंध नहीं है अच्छा, और स्कूल की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है अलग से, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। तो जैसे जाखल के अंदर हमें स्कूल की समस्या देखने में मिली, पहले काफ़ी स्कूल को लेकर लड़कियों ने आंदोलन भी किया, अब भी आप उसकी बात कर रही हैं, तो क्या हम समझें कि आप एक महिला होने के नाते कुछ समय लेंगे, कितने समय तक आप सोचते हैं इस मुद्दे का निदान कर देंगे? जल्द से जल्द इसका निदान होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका निदान करने। तो आप निर्विरोध चुने गए, प्रत्याशी पार्षद बने आप, तो आपको क्या लगता है चेयरमैन पद के लिए भी आप लोग फाइट करेंगे? जो 13 मेंबर चाहेंगे उनका। नहीं, आप अपने आप को एक प्रत्याशी के तौर पर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? क्योंकि फाइट करेंगे। जी फाइट करेंगे, इन्होंने बताया है निर्विरोध चुने गए हैं और आगे भी चेयरमैन पद के लिए भी ये फाइट में आएंगे और हमें ये मानना चाहिए महिलाएं जिस तरह से जाखल में निकलकर सामने आ रही हैं और निर्विरोध भी चुनी जा रही हैं, इससे जाखल की तस्वीर जरूर बदलने वाली है। और आपको शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा A1 हरियाणा से हम उम्मीद करते हैं जाखल आने वाले समय में महिलाओं के साथ खूब तरक्की करेगा। नमस्कार, जैसा आपको आपने देखा A1 हरियाणा ने जाखल की पल पल की रिपोर्टिंग आपसे साझी की और इस चुनाव को सफल बनाने में जिन अधिकारियों का योगदान रहा उनमें से एक अधिकारी हैं जोगिंदर शर्मा जी DSP जो हमारे साथ हैं, सुरक्षा व्यवस्था लेकर को लेकर ये पूरे मुस्तैद रहे। आइए हम जानते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या प्रबंध किए गए थे जिससे चुनाव बेहद शांतिपूर्ण सौहार्द में संपन्न हुए। जी शर्मा जी आपका स्वागत है, तो क्या क्या लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपके द्वारा प्रबंध किए गए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी जाखल की जनता का जिन्होंने हम लोगों का भी सहयोग दिया। उसके बाद ये एक टीम वर्क था, जो जितनी प्रशासनिक टीमें थी सबने बढ़ चढ़ कर अच्छे से सहयोग दिया, मेरा भी दिया, और हमारी जो पुलिस फोर्स थी जो हमारे सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, और जितने भी जैसे नाके हैं, हमारा लाइन एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वैसे कभी आई नहीं, और यहाँ की जनता का मैं इस बात को लेकर शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ की जनता ने जो हम लोगों का सहयोग दिया, हमारी पूरी प्रशासनिक टीम का सहयोग दिया, और हमारी टीम तो हमेशा से ही साथ रहेगी और साथ रहती है। जी बिल्कुल, जैसा DSP साहब ने हमें बताया कि जाखल के लोगों का भी बेहद सहयोग रहा इसमें, तो हम जानना चाहेंगे किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत आई हो, कोई आचार संहिता का कोई उल्लंघन हुआ हो या किसी तरह की छोटी या बड़ी किसी तरह की भी सुरक्षा को लेकर कोई आपके दिमाग में आई हो जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई भी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हुई है, चाहे वो चुनाव के टाइम में, चाहे अभी जो काउंटिंग हुई थी उसमें, सब लोगों ने बहुत अच्छे प्यार से सब लोगों ने हमारा साथ दिया है, और जो इलेक्शन हुआ है
प्रॉपर तरीके से जो भी कोड ऑफ कंडक्ट था उनको अच्छे से पालना की है, और मैं दोबारा से सब लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी बेहद शुक्रिया। आपके नेतृत्व में जो जाखल का चुनाव है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही और जाखल का चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, और जैसा हमें डीएसपी जोगिंदर शर्मा जी ने बताया कि यहाँ के लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया, और हमें चाहेंगे कि जिस तरह से जाखल के चुनाव संपन्न हुए हैं उसी तरह से हर जगह के चुनाव जो है प्रशासन, शासन और लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। A1 हरियाणा के लिए मैं नवल सिंह, जाखल मंडी।